हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे छत्तीसगढ़ समसामयिकी घटनाएं, घटनाक्रम, छत्तीसगढ़ की योजनाएं से संबंधित जितने भी छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर हैं, यानी कि सीजी व्यापम और पीएससी में 10 से 20 नंबर या 10 से 15 नंबर के छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर पूछे जाते हैं। हाल ही में एग्जाम होने वाला है प्यून भर्ती का, साथ ही टीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उनके लिए बेहतर क्लास लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ करंट अफेयर की। हमारे वेबसाइट पर आप सभी का स्वागत है। इस पोस्ट में हमने छत्तीसगढ़ करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है, जो कि आगामी परीक्षाओं को देखते हुए बहुत ही उपयोगी है। यानी कि आपको 7 से 8 नंबर के यहाँ से प्रश्न बिल्कुल बनेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। जब भी मैं ऐसे ही रिलेटेड वीडियो यानी कि छत्तीसगढ़ करंट अफेयर, साथ ही घटनाएं क्रम यानी कि छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के लिए लाए हैं। इस पोस्ट में हमने छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित प्रश्न को शामिल किया है, जो कि सीजी व्यापम और सीजी पीएससी में छत्तीसगढ़ में कम से कम कितने नंबर का, 5 से 6 यानी कि 6 से 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। जो लोग तैयारी करना चाहते हैं जैसे छात्रावास अधीक्षक, प्यून भर्ती, टीटी एग्जाम या फिर एडीओ यानी कि सीजी व्यापम से जितने भी एग्जाम होते हैं वहाँ से करंट अफेयर आप सभी को कराएंगे, यानी करंट अफेयर के जितने भी प्रश्न बनेंगे आप सभी को कराएंगे। और टोटल आज का 30 MCQ रहेगा। कितना? 30 MCQ, जो कि छत्तीसगढ़ करंट अफेयर MCQ क्विज रहेगा। टेस्ट सीरीज चल रहा है, जो सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट क्लास लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ करंट अफेयर की, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं डेली करंट अफेयर, जो कि आज से हमारे YouTube चैनल पर डेली कराया जाएगा छत्तीसगढ़ करंट अफेयर यानी कि छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं। जो लोग तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। साथ ही आप सभी के लिए गुड न्यूज है, जो लोग छात्रावास अधीक्षक या एडीओ की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल के प्ले लिस्ट पर यानी कि यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट पर जाइए, वहाँ ज्वाइन कीजिएगा। सभी क्लासेस एक एक करके सभी क्लासेस देख लीजिएगा, यानी कि परीक्षा में जाने से पहले एक बार जरूर वीडियो को देख लेना। साथ ही हमारे YouTube चैनल पर बिल्कुल फ्री क्लासेस कराई जा रही है। परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार जरूर वीडियो को देख लीजिएगा, बिल्कुल फ्री कंटेंट कराया जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पैट क्लास भी कराया जाएगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक करके रख लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन घंटे को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का 30 MCQ स्टार्ट करेंगे। तो पहला करंट अफेयर का पहला प्रश्न क्या कहता है, देखिए, छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के पहले मुख्य कार्यपालन अधिकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, श्री आलोक शुक्ला को छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के तहत पहले उसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया है, ऑप्शन सी, ठीक है, आलोक शुक्ला को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में प्रदेश के लिखा आरा नामक स्थान से पुराने चलचित्र तथा आदि मानव के हथियार प्राप्त हुए हैं, यह स्थान राज्य के किस जिले के अंतर्गत आता है। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया पुराने चलचित्र तथा आदि मानव के हथियार प्राप्त हुए हैं, ये राज्य के किस जिले के अंतर्गत आता है। हाल ही में यानी कि हाल ही में जो हुआ है वो कोरिया जिले के अंतर्गत आता है। कौन से जिले? कोरिया जिले। नोट कीजिएगा जितने भी ग्रुप में जुड़ चुके हैं या हाँ हमारे YouTube चैनल पर जुड़ चुके हैं, तो बिल्कुल वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, डेली क्लासेस कराया जाएगा। नोट कर लीजिएगा, शाम 5 बजे करंट अफेयर की क्लास रहती है, मैथ्स की क्लास सुबह, और छात्रावास अधीक्षक की क्लास 11 बजे, एडीओ की क्लास भी सेम क्लास पर रहती है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, हाल ही में जो हुआ है प्रदेश के लिखा आरा नामक स्थान पुराने शैलचित्र तथा आदि मानव के हथियार प्राप्त हुए हैं कोरिया जिले में। नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है, बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए चेक कर लेते हैं, सॉरी ना जसपुर है ना, सॉरी एक मिनट, मैं गलती से एक मिनट मिस्टेक हो गया मुझसे, है ना, ये सॉरी एक मिनट ना, जसपुर आएगा, कौन सा आएगा, जसपुर, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था ना, एक मिनट, जसपुर आएगा, ठीक है, कौन सा आएगा, जसपुर। तीसरा है
बैताल रानी घाटी इस राज्य के किस जिले के अंतर्गत आती है? बैताल रानी, चलिए बताइए, जल्दी कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनका आंसर आना चालू हो चुका है। बैताल रानी घाटी किस राज्य के संबंधित है, चलिए बताइए। बहुत लोगों का आंसर आ रहा है राजनांदगांव से, बिल्कुल सही है, राजनांदगांव। बैताल रानी घाटी राजनांदगांव से संबंधित है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी आएगा। चलिए चेक करते हैं आंसर सही है कि गलत। थोड़ा आंसर सही है, बहुत लोगों का सही आया है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है, श्री जानकी प्रसाद पुलस्क को किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए वीर नारायण सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करते जाइएगा। 7 से 8 लोगों का कमेंट आ रहा है, बाकी लोगों का क्यों कमेंट नहीं आ रहा है? हाँ, सोनू रोल, बिल्कुल, गोलू, मीना, सीमा, राजू, घनश्याम, हरीश, हाँ बिल्कुल, सभी लोग का सही आ रहा है। जानकी प्रसाद पुलस्क को किस क्षेत्र के उत्कृष्ट कार्य के लिए वीर नारायण सिंह को सम्मानित किया गया था? वीर नारायण सिंह को, आदिवासी है ना वीर नारायण सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ कमेंट करें, कहाँ के रहने वाले हैं कमेंट करें, जल्दी बताइए कहाँ के रहने वाले थे कमेंट करें, ठीक है ना। वीर नारायण सिंह क्यों प्रसिद्ध है इसको मैं डिटेल से आप लोगों को बताऊंगा, पहले करंट अफेयर की क्लास ज्वाइन करें ना, टेस्ट चल रहा है आपका, ठीक है, टेस्ट चल रहा है सीमा, टेस्ट चल रहा है, ध्यान से समझिएगा। फोर्थ का आंसर ए आएगा, आयुर्वेद चिकित्सा के लिए, आयुर्वेद चिकित्सा के लिए दिया गया था। चलिए देखते हैं आंसर सही है गलत, आंसर ए बिल्कुल राइट। चलिए बेस्ट गवर्नेंस राज्यों को सूची में छत्तीसगढ़ राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? चलिए बताइए छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? अरे तीसरा प्राप्त नहीं हुआ था, बिल्कुल गलत होगा, तीसरा कहाँ से प्राप्त होगा, बेस्ट गवर्नेंस में बोला गया है, ऑप्शन में दिखा रहा हूँ ना, चौथा है, फोर्थ, ओके। चलिए लघु वनोपज उत्पादन में इस राज्य के किस वन खंड में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? जल्दी बताइए इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर कौन सा होगा, लघु वनोपज के लिए देखिए कोंडागांव आएगा, कौन सा, कोंडागांव, राज्य के किस वन मंडल में, कोंडागांव वन मंडल में। तो चलिए इसका मैं डिटेल आपको समझाऊंगा, ओके। चलिए देखिए कोंडा वन मंडल में कांकेर के वन वृत्त के अंतर्गत आता है, कौन सा वन वृत्त के अंतर्गत आता है, कोंडा वन मंडल, लघु वन उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, नोट कर लीजिएगा, प्रथम स्थान प्राप्त किया है। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 6 वन वृत्त हैं, इसको नोट कीजिएगा, ठीक है, कॉपी में साथ में कॉपी रखिएगा, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, कॉपी रखिएगा, टेस्ट चल रहा है ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, टेस्ट चल रहा है, इसका पीडीएफ आपको नहीं मिलेगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अच्छे से समझिए। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 6 वन वृत्त है, कौन कौन से, तो मेरे साथ दोहराइएगा, सरगुजा, बिलासपुर, कांकेर, दुर्ग, रायपुर, बस्तर, इसमें सबसे बड़ा वन वृत्त कौन सा है, बिलासपुर, और सबसे छोटा वन वृत्त दुर्ग है, नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आते हैं करंट अफेयर से, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल इसको ध्यान से समझिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने हैं, 6 वन वृत्त हैं, कौन कौन से है, सरगुजा, बिलासपुर, कांकेर, दुर्ग, रायपुर और बस्तर, लेकिन इनमें सबसे बड़ा वन वृत्त कौन सा है, इनमें सबसे बड़ा वन वृत्त कौन सा है, जल्दी बताइए, इनमें सबसे बड़ा वन वृत्त है बिलासपुर, ठीक है, और सबसे छोटा दुर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ के किन जिलों को स्वामित्व योजना के तहत पालियट के प्रोजेक्ट के रूप में शामिल किया गया है, कौन से रूप में, पालियट के रूप में, स्वामित्व योजना के तहत, चलिए इसका आंसर कौन सा होगा, कोरबा दुर्ग कबीरधाम, कोरबा दुर्ग और कबीरधाम, याद कर लीजिएगा इसको, कोरबा कबर और कबीरधाम, देखिए आंसर सही आ रहा है, क्या होता है, तो देखिए स्वामित्व योजना के द्वारा, देखिए जो केंद्र सरकार योजना है, कौन सा योजना है, केंद्र सरकार योजना, जो कि इस राज्य के, इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 3 जिला कोरबा दुर्ग और कबीरधाम को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शामिल किया गया है, किसके रूप में, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, हाँ बिल्कुल सही, हाँ डेली क्लासेस कराया जाएगा, आज से स्टार्ट हुआ है, साथ ही देखिए एडियो की जो क्लास है, एडियो की क्लास है, आज से स्टार्ट हो चुकी है पंचायती राज व्यवस्था से, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था की क्लासेस आज कराई जा चुकी है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स एजुकेशन बाय रुपेश सरकर का लिखा होगा, जाके वहाँ क्लिक कीजिएगा, वहाँ प्ले लिस्ट पर पूरा डिटेल दिया गया है, पूरा आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, चाहे आप जिसकी भी तैयारी करना चाहते हैं, जैसे व्यापम में क्या बोलते हैं, छात्रावास अधीक्षक,
अमीन पटवारी, पटवारी छात्रावास अधीक्षक एडीओ अमीन। हाँ बिल्कुल, प्लेलिस्ट पर जाइएगा, वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और जो लोग बच्चे नए हैं बिल्कुल वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, डेली डेली आपको कराया जा रहा है। वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, जितने बच्चे जुड़ चुके हैं वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। चलिए आठवां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ गोधन न्याय मिशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना मिशन के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, जल्दी बताइए। रविंद्र चौबे आंसर आ रहा है इसका, कौन कौन आ रहा है? रितु, नीतू, रमेश, हर्षवर्धन, गोपाल, सीमा, राहुल, गोलू। हाँ बिल्कुल सही है, रविंद्र चौबे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा देवी माता का मंदिर छत्तीसगढ़ किस जिले में? गंगा देवी, चलिए बताइए अब इसका आंसर क्या होगा, गंगा देवी, कमेंट कीजिएगा। बस्तर, बिल्कुल सही, बस्तर ही होगा। गंगा देवी माता का मंदिर बस्तर जिले में है, ठीक है, बस्तर जिले में, नोट कीजिएगा बिल्कुल, कॉपी पेन साथ में रखिएगा, मैं बता रहा हूँ, बार बार मैं बोल रहा हूँ आपको, एग्जाम की तैयारी के लिए बहाना नहीं चलेगा, एग्जाम की तैयारी के लिए, ठीक है। बस्तर, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य कितना रुपये निर्धारित किया गया है, जल्दी बताइए। कोदो कुटकी समर्थन का मूल्य कितना निर्धारित किया गया है, प्रति क्विंटल बताइए, आपको प्रति क्विंटल में बताना है। इसका आंसर कौन सा होगा? बी, 3000 रुपये प्रति क्विंटल, बिल्कुल राइट। किरण, राहुल, सभी का आंसर सही आ रहा है, ठीक है ना, सभी का आंसर सही आ रहा है। देखिए इसको नोट कीजिएगा, 3000 रुपये क्विंटल है। छत्तीसगढ़ राज्य में मिलेट मिशन के अंतर्गत किन तीन फसलों को उत्पादकता बढ़ाई जाएगी? देखिए जो हाल ही में हुआ है मिलेट मिशन योजना के अंतर्गत तीन फसलों को उत्पादक में बढ़ाई गई है, कौन कौन सा है जल्दी बताइए। हाँ, कोदो कुटकी और रागी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सभी लोगों को आंसर सही आ रहा है, 12 से 13 लोगों को सही आ चुका है, 12 से 13 लोग। आपका क्यों नहीं आ रहा है रमेश, आपका क्यों नहीं आ रहा है? डेली क्लासेस करोगे तभी तो समझ में आएगा। और काहे आप यहाँ पर पूछ रहे हैं छात्रावास शिक्षक की क्लास में, आपको पहले ही बता चुका हूँ, डिस्टर्ब ना करें वरना न्यू रिमूव कर दूंगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको डिटेल से समझिएगा, कोदो कुटकी रागी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या राज्य सरकार के नगरीय निकायों में महिलाओं को जो 33% आरक्षण दिया गया है उसको बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया, सहमति दी है, ठीक है, कितना परसेंट है जल्दी बताइए। इसका आंसर कौन सा होगा? सी, 50%, बिल्कुल राइट, 50%। राहुल का पहला कमेंट आया, ठीक है, राहुल का पहला कमेंट आया है 50%। राज्य सरकार ने नगरीय निकायों को महिलाओं के लिए 33% आरक्षण से बढ़ाकर कितना कर दिया, 50%, बिल्कुल राइट। सीमा का भी आ चुका है आंसर, हाँ। गीता, महेश, हाँ बिल्कुल सही है, आप लोगों का सही है, बिल्कुल तैयारी करते रहें। गढ़वो नमो भविष्य कार्यक्रम किस उद्देश्य में प्रारंभ किया गया है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल हाँ बताइए। गढ़वो नवा भविष्य कार्यक्रम, जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो ही बताएगा ना, बाकी तो नहीं बता सकता, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बेवकूफ को, डेली क्लासेस करो। क्या आएगा आंसर, चलिए बताइए इसका आंसर भी, बच्चों को व्यावसायिक जानकारी देना, बिल्कुल सही, हाँ रमेश, गीता, रमेश का पहला आंसर आया, ठीक है, रमेश का पहला आंसर आया है, हाँ। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, हाँ चलिए 30 नंबर का आता है, हाँ ये 10 से 15 नंबर करंट अफेयर आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा, डेली करंट अफेयर। हाल ही में देखिए अभी एग्जाम होने वाला है प्यून भर्ती का और CGTET का एग्जाम होने वाला है, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए ना। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक यानी कि स्टेट फूड, हाँ बिल्कुल हाँ। चलिए इंडेक्स 2021 में छत्तीसगढ़ देश का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, इसका आंसर कौन सा आएगा जल्दी बताइए, सी, 16वां स्थान, बिल्कुल सही। 30 क्वेश्चन कराऊंगा आप सभी को, ठीक है, 30 क्वेश्चन डेली, आज का 30 रहेगा। अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार ने अंशदान को बढ़ाकर 10% बढ़ाकर कितना कर दिया, देखिए एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आता है, बिल्कुल मैं बार बार बोल रहा हूँ, एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आता है। अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार, हाँ बिल्कुल, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने कितना बढ़ा दिया गया परसेंट, 10% कितना बढ़ाया है, आंसर नहीं आ रहा है, पता नहीं है बोल रहे हैं, चले कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ इसका आंसर, दो लोगों का आंसर आ चुका है ना, बिल्कुल 14%, सही है जवाब, दो लोगों का सही जवाब आया है, राहुल और गीता का। अंशदायी पेंशन जो योजना है 10% से बढ़ाकर 14% कर दिएगा, इसको याद रखिएगा, कितना, अंशदायी पेंशन योजना को, हाँ नोट कीजिएगा, हाल ही में एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है।
देखिए महात्मा फुले समता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? महात्मा फुले, ये आता है एग्जाम में, ठीक है। महात्मा फुले समता पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो 16 का आंसर कौन सा आ जाएगा? सही, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, महात्मा फुले पुरस्कार सम्मानित किया गया, बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पर सही है, छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, उमेश पटेल, बिल्कुल सही है, उमेश पटेल आएगा, बिल्कुल सही, गुड गुड, वेरी गुड। महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बिल्कुल बिल्कुल सही, महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी, देखिए बिल्कुल सही आ रहा है उनका आंसर, जो विश्वविद्यालय के रूप में नियुक्त किया गया है, कौन सा है आंसर जल्दी बताइए? 18 का आंसर क्या होगा? राम शंकर कुरिल को, बिल्कुल राइट, डी आएगा, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सोनू, बिल्कुल राइट, वेरी गुड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े टूरिज्म ट्रेड फेयर, ये हाल ही में एग्जाम में अभी चल रहा है, टूरिज्म ट्रेड फेयर ने छत्तीसगढ़ के किस जिले को द मोस्ट प्रॉमिसिंग न्यू डेस्टिनेशन अवार्ड प्राप्त किया गया? किसने किया है जल्दी बताइए, आंसर आ रहा है, हाँ बहुत लोगों का आंसर आ चुका है, अरे अंबिकापुर नहीं होगा, अरे बस्तर होगा, ठीक है, अंबिकापुर कहाँ से आएगा, बस्तर है, बस्तर कहाँ है, दक्षिण में, छत्तीसगढ़ खुद, हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छुई खदान की रियासत के इतिहास नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया, जो छुई खदान है, चलिए बताइए सर, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आ रहा है सर, डॉक्टर शैलेंद्र सिंह, बिल्कुल सही है, डॉक्टर शैलेंद्र सिंह, वेरी गुड। किसका पहला आंसर देखते हैं, सीता का है, मतलब सीता अच्छा तैयारी कर रही है, ठीक है, सीता अच्छा तैयारी कर रही है, बिल्कुल सही, डॉक्टर शैलेंद्र सिंह है। बाकी लोग कैसे, क्या आंसर कैसे नहीं आ रहा है, बाकी लोगों का आंसर कैसे नहीं आ रहा है? नेक्स्ट है, 28 करोड़ साल पुराने मैरिन फॉसिल, जो मैरिन फॉसिल्स है, क्या बोलते हैं उसको, फॉसिल्स ना, मैरिन फॉसिल्स को संरक्षित करने के लिए देश का पांचवा मैरिन फॉसिल पार्क छत्तीसगढ़ किस जिले में बनाया गया? एग्जाम में आ सकता है, बिल्कुल। एडीओ की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, साथ ही हॉस्टल वाड़ाने की तैयारी कर रहे हैं, और प्यून भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, प्यून भर्ती की एग्जाम कब है, 25 सितंबर, ठीक है, और ये टीटी का एग्जाम कब है, 18 सितंबर को, टीटी का जो है 18 सितंबर को है, बिल्कुल तैयारी कीजिए ना, बिल्कुल। हाँ आंसर आ चुका है, किसका आ चुका है, सीता का आ चुका है, ठीक, क्या आएगा आंसर, हाँ बहुत और कमेंट कर रहे, चलिए बताइए क्या आएगा, क्या आएगा जल्दी बताइए, मैं नेक्स्ट पढ़ूँ कि कमेंट में बताएगा इसको, हाँ आ चुका है ना आंसर, कोरिया है, बिल्कुल राइट, कोरिया होगा। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? एग्जाम में आ सकता है, इसको नोट कीजिएगा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है, जो बस्तर विश्वविद्यालय उसको बदल दिया गया है, बिल्कुल। देखिए अजय का आंसर आ चुका है, अजय का आंसर आ चुका है, राहुल का भी आ चुका है, मोना का आ चुका है, सीना का आ चुका है, सीता का आ चुका है, गिरधर का आ चुका है, ठीक, बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट, अनुज का आ चुका है, देखिए अनुज का आ गया, अनुज का आ गया, ठीक है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने बस्तर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है, जल्दी बताइए किसके नाम पर रखा गया है? हाँ शाम को 5 बजे क्लास होगी, किसकी, कंप्यूटर की, हाँ बिल्कुल कंप्यूटर की होगी बच्चों, कंप्यूटर की, हाँ आंसर आ चुका है, कितना आएगा, क्या आएगा जल्दी बताइए, किसके नाम पर है, महेंद्र कर्मा ना, बिल्कुल सही, महेंद्र कर्मा है, सी, बिल्कुल 15 से 16 लोगों का आंसर आया है, बिल्कुल सही है, नाम यहाँ पर नहीं ले सकता लेकिन सभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं। महामाया एयरपोर्ट छत्तीसगढ़ के किस जिले में अवस्थित है? महामाया वाला जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन दे दिया हूँ, बिलासपुर, कोरबा, अंबिकापुर, जसपुर, क्या आएगा? हाँ सीता का आंसर आ चुका है, मोहन का भी आ गया, राहुल का आ गया, हाँ बिल्कुल सही है, हाँ बाकी लोग का नहीं आ रहा है, अच्छा आ गया, एक और लड़के का आया है, कि क्या नाम है इसका, राहुल नहीं, क्या है, महेंद्र है ना, महेंद्र, महेंद्र, क्या आएगा आंसर, अंबिकापुर ना, बिल्कुल सही। देखिए महामाया एयरपोर्ट छत्तीसगढ़ के किस जिले में अवस्थित है, तो ये अंबिकापुर में है, ठीक है, अंबिकापुर में है ना। चलिए इसका सभी आंसर बताइए क्या आएगा, ये एग्जाम में हर बार एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आते हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत यदि किसान धान के बदले में कोदो कुटकी का फसल लगाते हैं तो कितने हजार प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया? बिल्कुल सही, देखिए हाँ राहुल, गीता, महेंद्र,
गिरधर। हाँ आंसर आ रहा है, सभी लोग का आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत यदि किसान को धान के बदले अगर देखिए फसल कोदो कुटकी फसल लगाते हैं हाँ तो उनको 10,000 रुपये दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 10,000 रुपये दिया जाएगा। बिल्कुल सही है, सभी लोगों को सही आया है, सभी लोगों को सही आए हैं। 9,000 रुपये नहीं है जी, 9,000 नहीं है, 10,000 होगा। देखिए ध्यान से समझिए, ठीक है 10,000 है। प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी लोक गायिका माया खापड़े का संबंध किससे है? देखिए जो माया खापड़े है चंदनी गोंदा से है, ठीक है, ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के जिले में राज्य का प्रथम हाईटेक आदर्श हाट बाजार स्थापित किया गया था, क्या आएगा जल्दी बताइए, क्या आएगा 26 का क्या आएगा? बिल्कुल सही, दंतेवाड़ा, बिल्कुल सही। किसका है आंसर पहले? राहुल का, मतलब राहुल अच्छा तैयारी कर रहा है, राहुल भी है सीमा भी है, ये दोनों लोग बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे हैं। हाँ देखिए आ गया दंतेवाड़ा, बिल्कुल। छत्तीसगढ़ के किस जिले को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार प्रदान किया गया, जल्दी बताइए, सशक्तिकरण प्रदान किया गया है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आ गया आंसर, सीता और राहुल का बिल्कुल सही आ रहा है। देखिए सीमा, सीता, राहुल, महेंद्र, गिरधर, हाँ आ गया सही, बिल्कुल बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। 27 का क्या है? बिल्कुल राइट, कोंडागांव है। हाँ उपाध्याय दीनदयाल जो है सशक्तिकरण से कोंडागांव है, बिल्कुल राइट। अरे यार क्या बात है, आज के लोग सब जुनून में हैं, तैयारी जबरदस्त कर रहे हैं। हाल ही में राज्य सरकार ने प्रदेश में एडवेंचर स्पोर्ट को बढ़ावा देने के लिए पर्वतारोहण अकादमी खोलने का ऐलान किया गया है। यह अकादमी कहाँ खोला जा रहा है? तो चलिए बताइए अकादमी कहाँ स्थापित की जा रही है, ठीक है जल्दी बताइए। अरे सीमा क्या हो गया, आंसर क्यों नहीं आ रहा है? सीमा जल्दी आंसर बताइए। सर मिस्टेक हो रहा है क्या? एक बार देखिए एक बार और प्रश्न पढ़ता हूँ, ठीक है। हाल ही में राज्य सरकार ने प्रदेश में एडवेंचर स्पोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, हाँ एडवेंचर है ना वो, अकादमी खोलने का ऐलान किया गया है, कौन सा है जल्दी बताइए। आ चुका है ना, वेरी गुड। हाँ क्यों, क्या हुआ, बिलासपुर कहाँ से आएगा यार? राहुल कैसे बिलासपुर डाल दिए? नहीं गलत है, बिलासपुर नहीं आएगा, बस्तर है ना, बस्तर। अरे 2 से 3 लोगों का बस आया है। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। राज्य का प्रथम चाइल्ड केयर सेंटर किस जिले में बनाया गया है? इससे तो हाँ ये वाला आंसर आप सभी का आना चाहिए, छत्तीसगढ़ की क्लासेस चल रही है भाई। राज्य का प्रथम चाइल्ड केयर सेंटर किस जिले में बनाया गया है? हाँ चलिए आ चुका है आंसर, बालोद जिला में, बालोद, बिल्कुल राइट। 14 से 15 लोगों का आंसर बिल्कुल सही है, 2 और 3 लोगों का गलत हो रहा है, 2 से 3 लोगों का गलत हुआ है। चलिए देखते हैं आंसर सही है कि गलत, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, ठीक है। वर्ष 2021-22 की स्थिति में प्रदेश में कुल धान की खरीदी कितनी रखी गई है? धान की जो खरीदी है हाल ही में 21-22 में जो स्थिति है प्रदेश के कुल धान की खरीदी कितनी है? 105 लाख, बिल्कुल 105 लाख है, इसको याद रखिएगा, जो मीटर टन में दिया गया धान की खरीदी 2021-22 में हाल ही में। हाँ अभी तो 22-23 आया नहीं है ना, आएगा नवंबर में जब धान की खरीदी होगा, 2022-23 में नवंबर से, हाँ नवंबर में स्टार्ट होता है ना कि दिसंबर में स्टार्ट होता है, अच्छा दिसंबर है, चलो कोई बात नहीं, 105 लाख टन आएगा, ठीक है। ये आप सभी के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ, 31 क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है जो लोग, हाँ बिल्कुल कमेंट में ज़रूर बताएं, सभी लोग आंसर दें इसका। राज्य में तीरंदाजी को प्रोत्साहित करने के लिए किस जिले में शहीद गुंडाधुर राज्य स्तरीय तीरंदाजी का अकादमी खोला जा रहा है? आंसर बताइए इसका क्या आएगा, आंसर सभी लोगों का आंसर आना चाहिए कमेंट में। हाँ जो लोग तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल, छात्रा और शिक्षक की डेली क्लासेस कराया जा रहा है, एडियो की क्लास आज से स्टार्ट हो चुकी है पंचायती राज की, ठीक है पंचायती राज की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, साथ ही प्यून भर्ती की तैयारी भी कराया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, व्यापम PSC में 40-30 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है, प्यून भर्ती में पूछा गया है 40 नंबर का छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, भारत के सामान्य ज्ञान 50 नंबर पूछा गया है, ठीक है प्यून भर्ती में, ओके बिल्कुल। इसका आंसर आप जरूर बताइए क्या आएगा, कोरिया आएगा, बिलासपुर आएगा, जगदलपुर आएगा या रायपुर आएगा, इसका आंसर जरूर बताइए, ठीक है बिल्कुल इसका आंसर बताइएगा। हाँ कमेंट करते, हाँ 2 से 3 लोगों को तो आ चुका है, लेकिन आप लोग और कमेंट कीजिएगा, ठीक है आज के लिए इतना ही। 30 MCQ आप, हाँ 30 MCQ डेली कराया जाएगा, लेकिन बिल्कुल हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया,
ये सब क्वेश्चन है ना भाई, ये सब क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर बताइए तो, कूट बदम दिया गया है। चलिए इसका आंसर बताइए तो क्या होगा। डेली आपको 30-30 एमसीक्यू कराया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्लास के लिए स्टार्ट। क्या बोले, क्या सीमा? हाँ नेक्स्ट क्लास होगा कल से, कल तो संडे है ना, कल छुट्टी रहेगा, कल संडे है, कल छुट्टी रहेगा। ओके हाँ मंडे से स्टार्ट करते हैं, मंडे से। कौन सा क्लास स्टार्ट करें, मंडे से? अच्छा वेरी गुड, हाँ सीमा, हाँ चलो कोई बात नहीं। हाँ चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ, है ना। हाल ही में किस प्रसिद्ध लेखक एवं पत्रकार को 21वां वसुंधरा सम्मान 2021 से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा सम्मानित किया गया? चलिए हाँ आंसर आ चुका है ना उसका, ये आया था सतीश जायसवाल, ठीक है। ये चलिए आप सभी के लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आप बताइएगा। कोड़ानार हस्तशिल्प महोत्सव 2021 का आयोजन किस जिले में किया गया है? हाँ बिल्कुल आंसर बताइए। चलिए मैं चौथा क्वेश्चन भी दिखा दे रहा हूँ ऑप्शन ना, हाँ ठीक, ये इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा। चलिए हाँ आप सभी के लिए प्रश्न है, आप कमेंट में जरूर बताएं और नेक्स्ट क्लास के इंतजार करें, ठीक है। अगर जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और वीडियो को लाइक, हाँ जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं वीडियो को लाइक करें। साथ ही देखें जो बच्चे वीडियो को लाइक करेगा उसी को सिर्फ नोटिफिकेशन भेजा जाएगा, हाँ ऑनलाइन क्लासेस के लिए नोटिफिकेशन उसी को भेजा जाएगा। जितने बच्चे वीडियो लाइक करेंगे उसी को ऑनलाइन क्लासेस के लिए भेजा जाएगा, ठीक है। बिल्कुल थैंक यू थैंक यू थैंक यू स्टूडेंट। चलिए आज के लिए इतने, है ना। ओके थैंक यू, नेक्स्ट क्लास का इंतजार।